जय श्री कृष्णा, जय माता की। मैं ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ पंडित मुकेश शास्त्री रियल्टी चेक के वास्तु सेक्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुगर अर्थात डायबिटीज अर्थात मधुमेह रोग के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि आपके घर के अंदर बना हुआ जो आपका वास्तु सम्मत यदि मकान है तो आपके घर के अंदर किसी भी तरह की बीमारियां प्रवेश नहीं करती, लेकिन यदि आपका घर वास्तु सम्मत नहीं बना हुआ है तो निश्चित तौर पर मधुमेह जैसे कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां आपके घर के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, शुगर अर्थात मधुमेह रोग एक राजसी रोग माना जाता है। जो एक बार जीवन में प्रवेश कर जाता है तो फिर उसके पश्चात में दवाइयों पर निर्भर करके जीवन भर हमें दंडित करता है। ये कैसा रोग है जो अपने साथ दो भाइयों को भी लेके आता है, कौन कौन से? किडनी रोग और साथ साथ में हृदय रोग। तो क्या आप या आपके घर के कोई सदस्य डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं? यदि हाँ तो निश्चित तौर पे आपके घर का नैऋत्य कोण जो है वो इस बीमारी का जनक बनता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि ऐसा कौन सा दोष है जो कि आपके घर में डायबिटीज जैसी बीमारी को प्रवेश करवाता है। तो आपके घर का जो नैऋत्य कोण है यदि वो वास्तु सम्मत नहीं है, यदि वहां पे किसी तरह का दोष है तो डायबिटीज जैसी बीमारियां उस घर में प्रवेश करती है। यदि आपके घर के नैऋत्य कोण के अंदर बोरिंग है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो उस घर के सदस्यों के अंदर डायबिटीज जैसी बीमारी हमेशा बनी रहती है। अब यदि आपको डायबिटीज है तो मैं कुछ ऐसे सरल उपाय भी बता रहा हूं जिनसे आप आपके घर में डायबिटीज जैसी बीमारी को आने से रोक सकते हैं। सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट उपाय है वो ये है कि कभी भी बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। जिस बिस्तर पे आप सो रहे हैं उस बिस्तर में बैठ के यदि खाना खाएंगे तो निश्चित तौर पे डायबिटीज कैंसर जैसी बीमारियां आपके शरीर में आसानी से प्रवेश करेंगी। अपने बेडरूम में कभी भी जूते मत खोलिए, जूतों का स्थान अलग रखिए। साथ साथ में घर का जो ईशान कोण है वहां पर लोहा मत रखिए, हल्का रखिए उसको। घर में रसोई के अंदर एक मटका रखिए, मिट्टी का मटका, पानी भर के उसमें और सुबह उसमें 7 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। और यदि आप डायबिटीज जैसी बीमारी से पीड़ित हैं तो नियम से तुलसी मिश्रित जल का आप सेवन करें, ईशान कोण में जल रखिए। आप देखिए आप कैसे डायबिटीज आपके शरीर से दूर भागते, इंसुलिन जैसी चीजों से आपको मुक्ति मिल सकती है। उसके साथ साथ में मंगलवार के दिन अपने पिता को अपने हाथ से कुछ मीठा अवश्य खिलाइए और सप्ताह में एक बार अपनी माँ के हाथ से बना हुआ खाना अवश्य खाइए। रविवार के दिन यदि आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, बंदरों को केले खिलाते हैं, उनकी रुचि के अनुसार पदार्थ खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर डायबिटीज आपके घर के अंदर आपके जीवन के अंदर कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती। तो ये सरल से उपाय हैं, सरल सी वास्तु का यदि आप पालन करते हुए आप चीजों को रखते हैं देखते हैं तो निश्चित तौर पे डायबिटीज जैसी लाइलाज बीमारी से आपको मुक्ति